शांति 28 फरवरी बाबा हम सभी को हंस बनाने आए हैं संपूर्ण निर्विकारी इन श्री लक्ष्मी और नारायण जैसे श्री कृष्ण जैसे हमें भी सोचना है मुझे हंस बनना है भले ही बगलों के बीच रहते हूँ पर हंस बनना है बाबा मुख्य बात तो और कह रहे हैं कि श्रेष्ठ योग युक्त स्थिति से ही तुम्हारा तेज होगा। और बातों से बुद्धि निकालो जहां जहां बुद्धि को फंसाया है खुद को अटकाया है वहां से निकाल कर याद की यात्रा में लग जाओ इससे तुम्हारे विकर्म नष्ट होंगे विकार नष्ट होंगे तुम सच्चा सोना बन जाओगे हंस बन जाओगे पवित्र बनने की शक्ति आ जाएगी योग से क्योंकि विकर्म विनाश होते हैं इसलिए विघन भी नष्ट हो जाते हैं तो बाबा पूरा चित्र खींच रहे हैं तुम कैसे देवी देवता थे मैं तुम्हारा बाप टीचर सदगुरु बनकर आया हूँ टीचर का काम पढ़ाना है मुझे तुम्हें पावन बनाना ही है पावन बनाने बिना मैं भी रह नहीं सकता मुझे तुम्हें अपना संपूर्ण ज्ञान देना ही है मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाने आ गया हूँ तुम्हें योग सिखा रहा हूँ सतयुग में सब कुछ योग बल से होगा निर्विकारी होंगे सब संतान भी योग बल से पैदा होगी लोग प्रश्न पूछा करते हैं योग बल से भला कैसे संतान होगी जानवरों को कैसे संतान पैदा होंगी पहले उन्हें बताना है ये तो जानो योग है क्या योग का बल क्या है जिस योग से संसार बदलता है उसी सिस्टम से सारे संसार के सभी कार्य चलेंगे संकल्प शक्ति से संतान पैदा होगी गर्भ धारण होंगे इसको तो तब समझा जा सकता है जब योग बल बहुत ज्यादा हो इसलिए ये प्रश्न ही नहीं है और जो सिस्टम मनुष्यों के यानी देवताओं के बीच होगा वही पशु पंछियों के बीच भी चलता रहेगा ये बड़ा ऑटोमेटिक है इसलिए हमें अपने को हंस बनाना है संपूर्ण निर्विकारी प्रतिज्ञा कर लें भगवान को वचन दे दें निर्विकारी होने का इस मार्ग में विघ्न तो पड़ते हैं क्योंकि पवित्र बनने की बात है एक चले दूसरा न चले तो कठिनाई होती है लेकिन हमें अपने ज्ञान के बल से विवेक के बल से दूसरों को भी अपना साथी बना लेना है हमें समझाने की बहुत अच्छी विधि आनी चाहिए हम जब सीधा कहते हैं मुझे तो पवित्र रहना है तुम मानो या ना मानो तो इससे काम नहीं चलेगा क्यों पवित्र रहना है हम कौन थे संपूर्ण पवित्र हंस थे स्वयं भगवान ने आकर अब ये हमें आदेश दिया है इस पवित्रता के बल से योग बदलेगा तो इससे हमारे विघन समाप्त हो जाएंगे योग बल हमें बहुत बढ़ाना है क्योंकि राजाओं का राजा बनना है इस पर भी एकांत में जाकर सभी को बहुत अच्छा चिंतन करना है ऐसे ना हो कि हम केवल याद करते रह जाएं जैसे भक्ति में याद करते थे भगवान को उसके गुणगान ही करते रह जाएं लेकिन उसके स्वरूप पर हमारी बुद्धि भी स्थिर हो जाए हम आत्मिक स्वरूप में भी स्थित हो जाएं इसकी हमें बहुत प्रैक्टिस करनी है तो स्वयं भगवान आकर हमें ये राजयोग सिखाते हैं बाबा कहते हैं मैं ही तो तुम्हें पढ़ाने आया हूँ सोच कर देखो भगवान पढ़ाने आ गया तो हमें पढ़ाई पे कितना ध्यान देना चाहिए उसके एक एक महावाक्य की कितनी वैल्यू होनी चाहिए तब हम होली हंस भी बन जाएंगे और बहुत तीव्र पुरुषार्थी भी बन जाएंगे भगवान ज्ञान दे रहा है एक्यूरेट समय पर आकर पढ़ाते हैं साक्षात्कार भी बहुतों को तो कराते हैं तो बाबा एक बहुत अच्छी गहरी बात कह रहे हैं बच्चे इस सृष्टि पर एक रूहानी रिवोल्यूशन हो जाएगा ये गुरुओं के अड्डे सभी हिलने लगेंगे सत्य ज्ञान चारों ओर फैल जाएगा बाबा ही बाबा होगा ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बहुत मान हो जाएगा क्योंकि वही सत्य ज्ञान देने वाले श्रेष्ठ गति करने वाले प्रत्यक्ष होंगे विनाश के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें बना ली हैं हम सब जानते हैं उनका प्रयोग होगा लेकिन उससे पहले स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन हो जाएगा बस हमें ध्यान ये रखना है कि हम अपनी स्थिति को आगे बढ़ाते चलें इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकालते चलें हमारे व्यवहार हमारे कर्म बहुत सुंदर हों मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलें और ध्यान दें हमारे ऊपर बाबा की छत्र छाया है उस छत्र छाया में हमें स्वयं को सेफ रखना है सदा छत्र छाया में ही रहना है हम छत्र छाया से बाहर आते हैं तो माया अपनी छाया लगा देती है महसूसता शक्ति भी कम कर देती है और हमें गिराने लगती है हम गलत काम करने लगते हैं हमें पता नहीं चलता कि माया हमसे गलत काम करा रही है हमारे तीसरे नेत्र को बंद कर देती है तो हम बाबा की छत्र छाया में रहेंगे तो तीसरा नेत्र खुला रहेगा और हमारी निरंतर उन्नति होती रहेगी माया से हम सेफ रहेंगे हमें योग का ऐसा अभ्यास करना है कि योग नेचुरल हो जाए योग सरल हो जाए हमें देखकर ही लोगों का योग लग जाए हमारे नयन योग युक्त होने का प्रमाण हो जाए हमारा चेहरा सबको बताए ये योग युक्त आत्माएं हैं तो ये बहुत बड़ी सेवा होगी आज सारा दिन हम याद रखेंगे मैं सहज योगी हूँ सर्वशक्तिवान की छत्र छाया मेरे सिर पर है हर घंटे में एक बार फील करेंगे सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान है उसकी छत्र छाया में मैं माया से और विघ्नों से पूरी तरह सेफ ओम सेम स्लैश टीवी पीस ऑफ माइंड जस्ट अ क्लिक फॉर अ पीसफुल लाइफ